तो फ्रेंड्स ये है मिस्टर सलीम जी, आपने इनका पुराना वीडियो देखा ही था पहली सेटिंग का, आज ये सेकंड वीडियो है और ये खास तौर से अब मराठी लैंग्वेज में होने वाला है जो कि इसमें काफ़ी इनको कंफर्टेबल भी रहेगा। और इन्होंने स्टेम सेल थेरेपी भी करवाई थी, काफ़ी कुछ खर्च भी किया था और उसके बाद जब इनको आराम नहीं मिला तो हमारे पास आए, तो आज ये शेयर करेंगे अपना एक्सपीरियंस अपनी मराठी लैंग्वेज में। मला सर्वप्रथम आज एकूण 2012 प्रथम एवियन डिटेक्ट झाला होता, तर प्रथम डिटेक्ट झालं तेव्हा लेफ्ट साईडला फर्स्ट ग्रेडमध्ये आणि राईट साईडला सेकंड ग्रेडमध्ये होता। मी 2-3 वर्षानंतर पुन्हा एकदा चेक केलं तर लेफ्ट साईडचं सेकंड ग्रेडमध्ये गेलं आणि राईट साईडचं थर्ड ग्रेडमध्ये। कुठे म्हणजे जिथं काही काय ऐकलं समजायच्या बाबतीत कुठं काही ट्रीटमेंट असेल तर तिथं मी प्रत्येक ठिकाणी पोहोचत होतो। तर मला यूट्यूबवर डॉक्टर विजय प्रकाशजींचं माहिती झालं तेव्हा मी याच्या अगोदरच्या मागच्या कॅम्पमध्ये प्रथम या ठिकाणी आलो, तर त्यावेळेस मला जवळपास 40% फायदा झाला आणि आता दुसऱ्या सेटिंगमध्ये जवळजवळ 60%पर्यंत फायदा झालेला आहे। अगोदर मला चालताना फारच लिम्पिंग होतं आणि आता मी चांगल्या प्रकारे चालू शकतो आणि अजून 1-2 सिटिंग केल्यानंतर मला अशी शाश्वती आहे की आपण 80-90%पर्यंत 100% तर सांगता येत नाही पण 80-90%पर्यंत चांगले होऊ शकतो। आणि मी एवियन झालेल्यांना सांगू इच्छितो की त्यांनी एक वेळेस डॉक्टर विजय प्रकाशजींना भेटून आपली ट्रीटमेंट करून घ्यावी आणि ऑपरेशनच्या भानगडीत पडू नये। तो मराठी लैंग्वेज में आपने सुना इनका, मुझे तो ज़्यादा नहीं समझ में आता, आप लोगों को समझ में आ गया होगा मराठी भाषी लोगों को। तो खैर इनको मुझे इतना समझ में आया, पहले 40-50% इम्प्रूवमेंट था, आज 60-70% है। और ख़ास बात ये, इन्होंने काफ़ी अच्छी बोली कि हमें मतलब 100% तो नहीं, अगर 90% तक भी पहुँचा देते हैं मतलब हमारे ट्रीटमेंट से तो भी बहुत अच्छा, तो यही होना चाहिए है ना कि अगर 90% तक पहुँच जाता है एवियन के केस में, जो कि एक जुकाम बुखार जैसी समस्या नहीं है, काफ़ी विकट समस्या है, इसमें 90% अगर आपको इम्प्रूवमेंट मिल जाता है तो बहुत है, काफ़ी है। तो सलीम जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमको बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो दिया। आपको देख करके जितने भी स्टेम सेल थेरेपी से या कोर डिकम्प्रेशन से जो परेशान जो लोग हैं कराने के बाद भी जिनको फायदा नहीं हुआ उनको एक रास्ता मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।